नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे आए हैं और मैं उनका जवाब भी देने जा रहा हूं। और ये सब मैंने नया सेटअप बनाया है, उसी पे थोड़ा मेहनत कर रहा हूं। कल की वीडियो और परसों की वीडियो जो मैंने डाली थी, तो मेरा प्रयास है कुछ अच्छा करूं। नया सेटअप है तो मुझे दिक्कत हो रही है, कभी कलर गायब हो जाता, कभी कुछ हो जाता है, तो बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी प्रयास के अंतर्गत मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है ये आपके बहुत काम आए, लगेगा तो एक न्यूज़ है, पर न्यूज़ के साथ साथ एक मैसेज भी है आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये न्यूज़ रूस और यूक्रेन के बारे में है, पर इसमें हमारे काम की क्या खबर है जिससे कि मैं दांतों के विषय में बता सकूं या टाइप ग्लूसी के बारे में बता सकूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। टाइप ग्लूसी कब लॉन्च होगी, ये कब होगा, ये दवा है भी कि नहीं। कल तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था ये तो आप फेक वीडियो बना रहे हो या ऐसी फालतू की वीडियो बना रहे हो। तो मैं आपके सवालों के जवाब देने से पहले इस न्यूज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी कीजिए, आपके आसपास जो हो रहा है ना, उससे आप बच नहीं सकते। उसका इफेक्ट आप पर, आपकी लाइफ पर और आने वाले अपडेट पर या कोई आने वाली चीज पर अवश्य पड़ता है। डायरेक्ट तौर पे देखें, पेट्रोलियम पदार्थ जो हमें बाहर से लेने पड़ते थे, पहले सस्ते आते थे, अब महंगे आ रहे हैं, उनके दाम बढ़ गए हैं और उन्हीं से और भी चीज़ महंगी हो गई है। तो चलिए पहले इस बात पे बात कर लेते हैं, फिर लंबी बातें आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, जिस न्यूज़ को मैं बताने वाला हूँ या जिस चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाने वाला हूँ, आप उस न्यूज़ को पढ़कर कुछ तो दिमाग में लाएंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ न्यूज़ क्या है। किंग्स कॉलेज लंदन में, ये इस पर जरा ध्यान दें, किंग्स कॉलेज लंदन में डिफेंस स्टडीज रिसर्चर डॉक्टर मरीना मिरोन बताती है, अगर आप इन हमलों में हुए विस्फोटों को देखें तो उनका स्केल बहुत छोटा होता है। तो पूरी न्यूज़ की जगह आप शुरुआत में कुछ वर्डों पर ध्यान दें, किंग्स कॉलेज लंदन, ये वो कॉलेज है जहाँ से टाइप ग्लूसी की शुरुआत हुई, उसका इन्वेंशन हुआ, उसके विषय में और रिसर्च करने की आगे बढ़े और उन्होंने ये जो ह्यूमन ट्रायल है वहाँ तक लेके आए। अब आप कुछ समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ, किंग्स कॉलेज लंदन में ही टाइप ग्लूसी के विषय में ह्यूमन ट्रायल चल रहे थे, वही सब चीज़ों का मुखिया था, हर चीज़ पर वही कंट्रोल कर रहा था, उसने ही अलग अलग देशों में इसके ह्यूमन ट्रायल किए थे और वो लड़ाई झगड़ों के उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है। तो ऐसे में ह्यूमन ट्रायल पर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, लंदन की हालत जब से उनकी प्रधानमंत्री चेंज हुई है, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। लगभग 300 बिलियन पाउंड उनके अकाउंट से या उनके देश से बाहर चले गए हैं, उनके जो हालात हैं ना, उनके मंदी की तरफ जा रहे हैं, गरीबी की तरफ जा रहे हैं। जो देश जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वो देश अब मंदी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में टाइप ग्लूसिव के जो ह्यूमन ट्रायल हो रहे थे, आपको उम्मीद है कि वो पूरे हो पाएंगे? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो समय से पूरे हो पाएंगे। मैं ऐसी ही न्यूज़ों के प्रति एकदम सजग रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि खबर से ही तो खबर निकलती है। आप पेपर उठा के देखिए, न्यूज़ में देखिए, कहीं भी देखिए, आपको यही खबर मिलेगी कि लंदन की हालत पतली है, इंग्लैंड की हालत पतली है। अब मैं आपको कमेंट की तरफ लेके जाता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी, तो उस पे देखो, ये वाली वीडियो थी जो मैंने बनाकर डाली थी, ये वाली।
अब इस पर कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, मैंने उस टाइम भी जवाब दिया था। अब मैं ये वीडियो इसी पर्पस से बना रहा हूँ कि मेरे जवाब देने से पहले खुद भी आपके दिमाग में इस सवालों के जवाब आ गए होंगे कि टाइप ग्लूसिव अब लेट होने वाली है। ना लेट हो, मैं ऐसे दुआ करता हूँ, मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ना लेट हो। जब तक रसिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, इस दवा के समय से आने के कुछ भी ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं। अगर रसिया और यूक्रेन सुलह कर लेते हैं, आपस में उनकी बातचीत हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है, तब भी उसके बाद, क्योंकि इस युद्ध ने पूरे विश्व को गरीब बना दिया है। पहले तो कोरोना वायरस के कारण जो लंबे लंबे लॉकडाउन हुए, उसके कारण लोगों की हालत वैसी खराब थी, सब कंट्रियों की हालत पस्त थी, ऊपर से ये युद्ध आ गया, तो ऐसे में गरीब से गरीब हो गया, मतलब आपकी जेब से पैसा निकलता जा रहा है। और आप तो फिर भी सही हो, आप और मैं एक ऐसे देश में रहते हैं उसकी हालत बहुत अच्छी है, बहुतों से बहुत अच्छी है, वरना जो विकसित देश थे जिनके नाम का डंका बजता था, आज उनकी हालत बहुत बुरी है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूँ कि ये युद्ध थम जाए और इस दवा पर प्रयोग होने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो लंदन जुटा पाए, लंदन की हालत सही हो जाए, क्योंकि इस दवा का प्रयोग वहीं से प्रारंभ हुए थे। अब मैं आपके सवाल ही पढ़ लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि मैंने न्यूज़ क्यों पढ़ी और क्यों मैं बार बार आपको इसके विषय में बताना चाह रहा था। तो शॉर्ट वीडियो जी एक घंटे पहले लिखते हैं, सर ये दवा आएगी भी या नहीं। तो शॉर्ट वीडियो जी, आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं आपका एक कमेंट लाइक भी कर देता हूँ। अब उसके बाद ये आई एम ए स्टूडेंट, इन्होंने इमोजी करे हैं तो मैं इन्हें भी लाइक कर देता हूँ। ये लीजिए, ओके जी। अब रोहित पोरवाल जी लिखते हैं, सर ट्रायल कंप्लीट होने के बाद दवा कितने मंथ में आएगी। तो रोहित पोरवाल जी, ट्रायल होने के कुछ समय बाद, एक या दो महीने बाद ही, भाई देखिए दवा का मतलब सारे ह्यूमन ट्रायल हो गए, उसके बाद प्रोडक्शन भी तो होता है और प्रोडक्शन के लिए समय लगता है, लगभग अधिक से अधिक 5-6 महीने में सब कुछ ओके हो जाएगा, क्योंकि दवा की छोटी मोटी मात्रा तो बनानी होती है, अरबों खरबों लोगों को चाहिए होगी, सभी कंट्रियों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। पर अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो मैंने वीडियो के शुरू में जो आपको बताया था उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी देरी होने की उम्मीद है। अब दूसरा कमेंट आया है रोहित राजपूत जी का, इन्होंने पहले इनके कमेंट को लाइक कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने लाइक और ये कर दिया, ठीक है जी। अब रोहित राजपूत जी का भी कमेंट, ये लाइक कर दिया और ये कर दिया। आशा सिंह जी लिखती हैं, आप एक वीडियो बोलते हैं कि आरसीटी वाले दांत में ये असर नहीं करेगा और कभी करेगा बोलते हैं, तो दोनों में कौन सा सही है। आज हर दूसरे इंसान के दांतों में आरसीटी हो रहा है, तो फिर ऐसे में वो इंसान क्या करेगा, बेचारा कैसे, चलिए जो भी है। तो आशा जी, वैसे तो मैं आपको साफ बता दूँ, मैं बार बार वीडियो में यही कहता हूँ, अगर मिस्टेकली मेरे से ऐसे निकला है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा, पर बात वही है, बेसिक सिद्धांत से आप लॉजिक के साथ बात करें। लॉजिक ये है, जब आप कोई पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने से पहले उसका बीज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ को बढ़ा पाएंगे। ऐसे ही अगर आपके दांत की जड़ भी नहीं है, भाई कैनाल्स वगैरह सब ख़त्म कर दिए जाते हैं, आरसीटी में यही तो होता है कि सारी कैनाल्स जिनके जरिए सेल्स वगैरह आते हैं, जो पौष्टिक पदार्थ आते हैं, जब उनका संबंध आपके दांत से ख़त्म हो जाएगा, तो आगे एनर्जी या पौष्टिक पदार्थ या जो टाइप ग्लूसिव आगे भेजेगा,
पाइप ग्लू से ऐसा नहीं कि जादू का डंडा है, वो तो सिर्फ एक दवाई है, वो GSK3 को कंट्रोल करेगा और उसे मैसेज देगा कि आपके दांत में या उस जगह पर दांत को अधिक मरम्मत की आवश्यकता है, वहां पर पोषण जल्दी भेजें। भाई ये जादू नहीं है, ये सिर्फ एक मैसेज को जनरेट करने का काम है जो GSK3 को जाएगा। जब आपके दांत में वो सब नहीं रहेगा तो दांत का होने का सवाल ही नहीं उठता, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दांतों के कैनाल्स या रूट रह जाती है। रूट रह जाने का मतलब, यानी कि जड़ रह जाने का मतलब, धीरे धीरे टाइप ग्लूसिव, ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मतलब क्लियरली नहीं बता सकता कि रूट काम की है या नहीं है। रूट अगर काम की नहीं होगी तो भी बेकार है। तो अगर रूट काम की है तो वो रूट बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे पूर्ण दांत का आकार ले सकती है। भाई ये जादू नहीं है, सिर्फ विज्ञान है, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। होता क्या है कि आपके जो सेल्स होते हैं वो नए सेल्स का निर्माण करते हैं, अगर उन्हें पीछे से पोषण या बैकअप मिलता रहे। आपके दांत की जो ऊपरी परत है निरंतर घिसती रहती है, निरंतर बनती भी रहती है, जितनी बनती है उतनी घिसती भी रहती है, तो निरंतर ये प्रक्रिया चलती है, पर प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि जब इन पर कोई बाहरी आक्रमण होता है या आप अपनी गलती से दांत को घायल कर लेते हैं, उस हालत में बैक्टीरिया का जो संक्रमण होता है वो बहुत फास्ट होता है और आपके रिपेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है। इस कारण आपके दांत में गड्ढा भी हो जाता है। तो टाइप ग्लूसिव आपके रूट को पोषण देगा, उसे ऐसे जरूरी पोषक तत्व देगा जिससे नए दांत का निर्माण होगा, नए सेल्स बनेंगे और उससे ही आपके पूर्ण दांत का निर्माण हो सकता है। अभी टाइप ग्लूसिव के फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं, क्योंकि हर चीज को देखा जाता है। अगर हम कोई गुण ले रहे हैं तो उस गुण का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो उस सब को देखते हुए टाइप ग्लूसिव का निर्माण किया जाएगा। ह्यूमन ट्रायल इसीलिए हो रहे हैं। तो आशा सिंह बनाफर जी, आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल की संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल गया होगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप भी जान पाएंगे कि टाइप ग्लूसिव दवा आने में अभी लेट होने वाली है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।